वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। सबसे पहले मैंने डालना है ऑयल और कर लेना है भिंडी को फ्राई। ऑयल गर्म हो चुका है। ये भिंडियाँ तकरीबन 3 पाव होंगी या 10 किलो होंगी, मुझे अंदाज़ा नहीं है। ये डाल देनी है, आप जो है जी बना रही हूँ भिंडी। जी नहीं ना, जब भिंडी फ्राई होगी अभी थोड़ा सा फ्राई कर लग जाए वो मैं अभी डालू प्याज। प्याज को भिंडी का फ्राई करना है, अब प्याज को भून के फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट। अब मैंने ये डाल दिए टमाटर और लहसुन और जो मैंने मसाले डाले थे वो भी डाल दूँगी। लाल मिर्च की मैंने देखी में डाली हुई छोटी, थोड़ी सी हल्की डाली हुई, कलर बहुत प्यारा होता है। अब डालूंगी नमक 1 टेबल स्पून। 1 चम्मच डाल दिए नमक की, कम हो तो बाद में भी जितना नमक डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से कर लीजिए। अब तकरीबन 2 मिनट है, अब 2 मिनट मैंने पका लिया है। अब थोड़ी देर के लिए मैंने दम पे रखना है। जो मैंने लहसुन और टमाटर जो है सही से बन गए, अभी कच्चे हैं। अब मैंने ये 4 मैंने हरी मिर्च वो काट ली है, मैंने इस तरह से कट किया है। ये इस तरह से लंबी होती है, अभी नज़र आ जाती हैं भिंडियों के साथ, अगर बच्चे खा लें अभी शोर कर सकते हैं, शोर करती हूँ। मम्मी मुझे मिर्च दे दी तो इसके ऐसे होंगी तो फिर बच्चे को नहीं खिलाऊंगी, लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। हरी मिर्च का भी अपने है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने बस पकाना है, तो फिर मैंने मेरी भिंडी सब भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। ये मेरी सब्ज़ी जो है भिंडी की वो बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं कह दूँगी चैनल को बंद, अब मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। ये भिंडी की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। जैसा कि देखने में बहुत मज़े की है, वैसा ही खाने में बहुत लजीज और बहुत मज़े की है, टेस्टी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।